नाज़रीन, मैं मुजाहिद ख़ान, BTS न्यूज़ से। आज हम लोग मौजूद हैं बीवी के अलावा डबलेपुरा में, और यहाँ के आलमबरदार शब्बीर हसन साहब से बात करते हैं। आलमबरदार शब्बीर हसन साहब से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं मीर शब्बीर हसन रज़वी, मौरूसी मुजावर आलमबरदार अलम बीबी। यहाँ पे मैं 10वीं पुश्त में काम कर रहा हूँ। मेरे वालिद और मेरे चाचा 9वीं पुश्त में करते आ रहे हैं। हम लोग हमारे 10वीं पुश्त के दादा मीर खान अली के दौर से हम ही लोग यहाँ पे खिदमत करते आए हैं। खुली कुतुब शाह के दौर में जिसकी सनदें हुआ करती थी, बाद में जब निज़ाम दौरे निज़ाम आया तो जब मुंतखब शाया किया जाता था, सभी असनादात मौजूद हैं। यहाँ का इंतज़ाम, यहाँ की जो मुतवली है नवाब मीर बरकत अली ख़ान हैं, सारे इंतज़ाम अपॉइंटेड शुदा कमेटी मीर बरकत अली ख़ान की तरफ से। निज़ाम ट्रस्ट एक ट्रस्ट है जो यहाँ के सारे इंतज़ाम देखता है करता है। उसी के ज़िमन में एक हमारे भाई हैं एजाज, जो अलीउद्दीन आरिफ के फर्जंद है, वो मुजावर निगरानकार हैं यहाँ के। मैं मुजावर आलमबरदार हूँ, वो मुजावर निगरानकार हैं। तो यहाँ की जितनी भी मुजावरी के मरासिम हैं हम मिलकर अंजाम देते हैं। आलमबरदारी के जो भी मरासिम हैं, जैसे चांद रात से ले कर 14 मुहर्रम तक आलम का स्ट्रांग रूम से बाहर आना, इस्ताद होना व बर्खास्तगी 14 मुहर्रम तक का की जिम्मेदारी हमारे ज़िमन में है। अब यहाँ पे आपने देखा चांद रात को आलम बाहर आते हैं, जैसे ही चांद होता है आलम बाहर आते हैं। बाहर आके सुबह बिल्कुल फजर में आलम बाहर शाहनशीन में इस्ताद होते हैं। उस तारीख़ के बाद से ज़ायरीन ज़ियारत करते हैं बिला इख्तिलाफ़ मज़हब व मिल्लत। यहाँ पे शिया सुन्नी हज़रात, क्रिश्चियन हज़रात, हर मज़हब का आदमी आता है और यहाँ पे अपना नजराना अकीदत पेश करके जाता है। यहाँ का खुसूसियत ये है कि यहाँ कई ऐसे लोग जिनकी मुरादें नहीं बराती औलाद से, शादी से, वो लोग आते हैं यहाँ पे। यहाँ का नजराना, जो भी नजराना होता है वो लेते हैं, लेके यहाँ पे अपनी मुरादें पूरी करते हैं। अब लास्ट ईयर पैंडेमिक की वजह से काफ़ी सारे खलीशें रह गई थी, लेकिन हैदराबाद की आज़ादारी एक फौकियत है। हैदराबाद में जो मुहर्रम होता है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ सारे तबरुकात है। अब आप देखिए यहाँ पे